टॉक अबाउट टाइमिंग जनवरी में हो रहा है, राइट, और उस समय ही मैक्सिमम स्कूल्स के प्री बोर्ड्स होते हैं, राइट, और लैब प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट, एंड एज यू सेड काफ़ी लोगों का प्रिपरेशन या फिर कोर्स भी ख़त्म नहीं हुआ होता है, राइट, एंड दिस एक्चुअली कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट. काफ़ी बच्चे ये क्वेरी पूछते हैं कि हाउ विल वी मैनेज अवर यू नो टाइम एंड प्रिपरेशन, बिकॉज शुड वी बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अवर प्री बोर्ड्स बोर्ड्स जो उस समय हो रहा होता है, स्कूल की जो प्रिपरेशन होती है, और शुड वी बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस यू नो जेई मेन्स, राइट, क्योंकि दोनों एक समय ही है, राइट, तो क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि सबसे पहली बार हो रहा है, तो हाउ शुड स्टूडेंट्स पेस इट एंड चेंज और प्रोबेबली पे यू नो लुक आफ्टर लुक एट देयर यू नो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लाइक हाउ शुड दे लुक एट देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. Very tricky question, Vamsi, because definitely there is an added stress because of that. But if the timing is right and if the preparation of the student in which they complete the entire 12th by the end of September, so I think it's about completion of the syllabus. So if they complete it by the end of the September or at max October, then they have a complete 2 months of time to revise the entire syllabus of 11th and 12th in November and December. And then they should go and attempt this exam, and post that they can actually focus on their 12th. So it's a very, I think it's a very strategically placed exam, because they can first complete the syllabus of 12th, revise it, give the mains exam, prepare for their pre-boards and the practicals and the board exam, and then finally prepare for the advanced exam. So it's a well placed timing, I think, and if the strategy is right, then I think it is more like a boon than a bane to a student. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे, especially ये जो board versus JEE mains की तो questions हमेशा ही आते हैं, right? तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं वैसे एक चीज़ और भी ऐड करूँगा. एक तो पहले देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर आती है वो स्पेशली आपके लिए तो बनी नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी पॉलिसी बनी हुई है, सबके लिए एक जैसा है. कह लीजिए आप, इवन उसी को मैं ऐड करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए और आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको टेंशन आना शुरू हो जाता है जो है. ठीक है, अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं उल्टा कहता हूँ उनसे जो है कि अगर आपसे रेगुलर 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मतलब अगर आप प्रिपेयर करके गए हो जो है, 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो बजाय मतलब जो है आप टेंशन वो करने के, आप और ज़्यादा ग्लैड होना शुरू हो जाओ. इसका मतलब क्या है कि पेपर टफ आया हुआ है भाई, अगर आप पढ़ के गए हो और आपसे 3-4-5 क्वेश्चन लगातार अगर नहीं हो रहे हैं किसी उसमें, इसका मतलब पेपर टफ है और वो सभी के लिए कॉमन है, वो केवल आपके लिए नहीं है. अच्छा, बाकी बच्चे आप पहले से स्ट्रेटजी बना के गए हो, आपको मालूम है कि पेपर टफ आ गया है. अच्छा, बाकी बच्चे जहाँ पे लूज करेंगे, अपना टेम्पर लूज करेंगे जो है, आप पहले से चूंकि स्ट्रेटजी बना के गए हो, तो डेफिनेट है कि वो आप देखिएगा 8-9 क्वेश्चन के बाद क्या होता है, क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाते हैं. जहाँ पे बाकी बच्चे फंसेंगे वहाँ से फिर आपके निकलने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस. तो सेम स्ट्रेटजी वही है, वो सभी के लिए कॉमन है. कह लीजिए आप जो है, तो दो बाकी बच्चों को पैनिक होने दीजिए, आप अपना कंफर्टेबल जो है वो करिए जो है. इट्स कंपटीशन, बेसिकली इट्स कंपटीशन जो है. वैलिड पॉइंट. ऑलराइट, सो वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच दिस एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हैव इन माइंड इज कि इतना टाइम हो चुका है अभी, राइट, और सिर्फ एक्स मंथ्स बचे हुए हैं, 10 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने बचे हुए हैं, क्या इतना टाइम काफ़ी है मेरे लिए एक अच्छा रैंक लाने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए? एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच कम्स अ लॉट, राइट, क्योंकि स्पेशली बच्चों को लगता है कि एक साल उन्होंने पढ़ाई करी और उसमें कुछ हुआ नहीं खास, तो उनको हमेशा एक सेल्फ डाउट होता है कि अब मैं 12th में आ चुका हूँ तो क्या मेरे लिए जो बचे हुए 10 महीने हैं या 9 महीने हैं एनफ है, राइट. एंड कई बच्चे अक्टूबर में आके भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या अब अक्टूबर में आके मेरे पास जो समय बचा हुआ है क्या इसके अंदर भी मैं कुछ एक यू नो बेटर रैंक या एक सक्सेसफुल यू नो कॉलेज में जा सकता हूँ. तो एक्सपर्ट्स, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं कि स्पेशली फॉर द किड्स हु आर नाउ कमिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हु हैव लेसर मंथ्स अवेलेबल टू देम, राइट, एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इन देयर माइंड इज कैन आई स्टिल प्रिपेयर एंड कैन आई स्टिल यू नो गो ऑन एंड गेट अ गुड रैंक, वॉट वुड बी योर सजेशन टू देम, राइट, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस यू नो टॉक राइट नाउ, दे आर एग्जैक्टली इन दैट पोजिशन. सो आनंद, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू, वॉट इज द मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे और गिव देम? सो आई वुड यू नो स्टार्ट विद अ फ्रेज माय मॉम यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज अ किड, दैट जब जागो तब सवेरा. एंड इन फैक्ट इट वॉज ट्रू, बिकॉज पर्सनली आई ऑल्सो स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वेरी लेट व्हेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट इट्स द लास्ट 6-8 months which makes and breaks your preparation, because no matter how good your preparation has been for the 1.5 years,
if you don't do good in the last 6-8 months, you still will not able to get that rank. And even if you have not done well in these 1.5 years, then also there is a good probability that you would go and crack this exam. As I have been taking examples, I would take a very recent example, a student who started his preparation for KVPY exam, and he did not took any coaching or anything, but he was only concentrating on the school exams and the KVPY exam. And for the 1.5 years, he prepared on his own. And he was not, unfortunately, he was not able to clear KVPY. And then in the month of November, which is extremely late, he started his preparation for the competitive exams and he joined one of the crash course. When he joined that course, he liked it. And in the very first test he gave, he got somewhere around 170, 180 marks out of 360. And I was going through that list of, the marks of the students. And I realized that if a student has joined a crash course and getting this marks, then definitely he may have some potential. So I called him up for counseling, and fortunately he was from the same place where I was. So I called him and met him personally, and I counseled him that you can actually get a very good rank, because by talking to him as his parent, I realized that he can get a 500 rank. When I told his father, he was like surprised, because they were not thinking of 500 listening from me, right? Because he was not prepared anything, and he thought ki 2000, 3000 at max he can get a rank. And then we planned his preparation in such a way that I accelerated his final, the test giving pattern, and he gave almost like every second day he used to give the test, part test and then full test. And finally he got a 521 in mains, and he got a 320 odd rank in the JEE Advanced, and that is in these 6 months. So important is that in these 6 months, what happened with him was he remained calm, as I was telling in the beginning, that he did not panic. And whatever material I gave him, he just solved that material. He did not ask, sir, whether my syllabus will be completed by this or not. So he had a complete faith. So if I actually take the entire talk and summarize it through this student, he actually was calm. He was sincere in these last days. He followed whatever I told him. So he did not actually move from here and there. And he had a blind trust. And what actually made him get this rank? Finally, although he's not going to IIT, he's going to ICER after that. His name is Arjun Murlidhar. But because he always dreamt of going to these colleges through KVPY, right? And finally, he got that in 6 months. So all those aspirants who are preparing for these competitive exams, I feel that, it is always important that whether you believe in yourself or not. Because no matter whatever people tell you, if you don't believe in yourself, you will not be able to clear. And if you believe in yourself, then 6 or 8 months is more than enough. But of course, for that, I would not say that you should not prepare in these 1.5 years. You should prepare at least. You should be consistent. But you should accelerate your preparation in these last 6-8 months. And you can get whatever rank you desire in these months. Amazing. Sir, you would like to add to that? वैसे तो आनंद सर काफ़ी कुछ कह चुके हैं, बट उसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूँगा. अगर आप कंपटीशन के लेवल को देखो और जिस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, उसके लिए एक जनरल बच्चे के लिए अगर आप देखोगे ना, और स्कूल का प्रेशर भी होता है, सब कुछ होता है, तो 2 साल की प्रिपरेशन एक्चुअल में थोड़ा सा कम है. मतलब जो है उसका प्रॉपर जो टाइम है वो करीब करीब 3 ईयर्स मतलब जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं के लिए जाप जो है मिनिमम मतलब 3 ईयर्स वो होते हैं. अच्छा, जिनके पेरेंट्स थोड़े से पहले से अवेयर हैं तो वो आजकल क्या करते हैं कि 10 से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा 10th या 9th से मतलब जो है स्टार्ट कर देते हैं, तो कंफर्टेबल लेवल पर रहते हैं वो बच्चे, थोड़े कंफर्टेबल लेवल पर रहते हैं. इनकेस अगर आप मिस कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी अपने जो है पूरी मेहनत से आप वो करिए 11th 12th में. बट आप ये भी वो रखिए कि इनकेस अगर नहीं हो पाता है, इनकेस नहीं होता है, तो आप 1 साल ड्रॉप भी ले लीजिए. मतलब उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब डी पे अगर आप पहुँचे तो गोल करके ही वापस आइए फिर आप जो है. और मतलब मैं तो ड्रॉप ईयर को कई बार कहता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट ईयर है. मतलब ये ईयर आपका लाइफ में कभी नहीं आएगा. मतलब जो है इससे कई बार आपका एक पता लगा, आपको एक एक्स वाई जेड नॉर्मल सा कॉलेज मिल रहा है, अगर आपने 1 साल ड्रॉप लेके, हो सकता है आपको IIT की बहुत अच्छी वो मिल जाए, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है. अच्छा, बाकी साल क्या होता है कि बाकी ईयर तो आपकी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं. जैसे लास्ट ईयर जो आपने वर्क किया होगा
करीब करीब मोरोला से आप अभी भी वही वर्क कर रहे हो गए जो है, लेकिन वो जो आफ्टर मतलब ट्वेल्थ जो है जो वो मतलब उसको मैं इम्प्रूवमेंट ईयर कहता हूँ, इनकेस अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाया जो है तो उसको जरूर मतलब लेना चाहिए अगर वो आईटी के बारे में थिंक करता है। वेरी पावरफुल थॉट, या वेरी राइट थॉट।